हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉइंट स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम बीएसटीसी और पीटीटी के टॉप 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके हर बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझें और ध्यानपूर्वक पढ़े। ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को आप ज़रा भी स्किप ना करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, सुंदर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है जालौर जिले के भीनमाल सुधा में। तो ये कितने वर्ष पुराना है ये भी याद रखना है, पूछा सकता है 900 वर्ष पुराना, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पटवारी एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि सुंदर माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है जालौर जिले के भीनमाल सुधा में। तो ये भी याद रख लीजिए कि कितने वर्ष पुराना है, 900 वर्ष पुराना है। अगला देखते हैं कि राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? तो आपको याद रखना है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। अगला देखते हैं कि किसे भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो आपको याद रखना है गणाजी को। ठीक है, गणाजी को भक्ति आंदोलन करने का श्रेय दिया जाता है। अगला देखते हैं प्रथम सफेद समेट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम सफेद समेट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था। तो आपको याद रखना है 1984 में नागौर के गोटन में। ठीक है, अगला देखते हैं कि दक्कन प्रथा पर सबसे पहले रोक कहाँ लगाई गई थी? तो दक्कन प्रथा पर सबसे पहले रोक कहाँ लगाई गई थी? तो आपको याद रखना है उदयपुर में मेरवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह के समय में इसे गैर कानूनी घोषित किया गया, यानी कि उदयपुर में रोक लगा दी गई थी और उदयपुर के मेवाड़ में। ठीक है, सर्वप्रथम महाराणा स्वरूप सिंह के काल में हुई थी, रोक लगा दी गई थी। किस प्रथा को? दक्कन प्रथा को। कब? तो आपको याद रखना है महाराणा स्वरूप सिंह के काल में। और कहाँ? तो उदयपुर के मेवाड़ में। सेम ही। ठीक है, तो अगला देखते हैं कि राजस्थान में सबसे भयंकर छप्पनिया अकाल किस साल पड़ा था? तो राजस्थान में एक भयंकर अकाल पड़ा था। तो ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक बार पूछा गया था कि राजस्थान में भयंकर अकाल छप्पनिया अकाल किस वर्ष में पड़ा था। तो आपको याद रखना है 1956। बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। अगला देखते हैं कि किसे किसान आंदोलन का जनक माना जाता है? तो आपको याद रखना है विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की दिशा है तो कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ये संसार की सबसे बड़ी पर्वतमाला, ये भी याद रखना कि संसार की सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? तो आपको याद रखना है अरावली पर्वतमाला। अगला देखते हैं कि 2001 से 2011 में दशाब्दी जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत क्या है? तो आपको याद रखना है 21.3 एवं साक्षरता दर 66.1% राजस्थान में। ठीक है, ये सभी राजस्थान में। तो राजस्थान में 2001 से 2011 में दशाब्दी जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत है, यानी कि 10 वर्षों में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो आपको याद रखना है 21.3% एवं जनसंख्या है और साक्षरता कितनी हुई है? 66.1% वृद्धि दर हुई है। अगला देखते हैं कि राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 30 तारीख को मनाया जाता है, तीसरे महीने यानी कि मार्च के 30 तारीख को मनाया जाता है राजस्थान दिवस। ठीक है, मार्च 30 मार्च को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस। अगला देखते हैं कि कहाँ पर राजस्थान टेक्निकल विश्वविद्यालय स्थापित है? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कोटा में स्थित है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि नोट है कि राजस्थान के सभी अभियांत्रिक एवं MBA कॉलेज भी कोटा में है और राजस्थान टेक्निकल विश्वविद्यालय की स्थापना 2000 कब हुई, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। ठीक है, आप देख लेना कि राजस्थान सभी जो विश्वविद्यालय है वो कोटा में स्थित है, अभियांत्रिकी MBA कॉलेज भी कोटा में स्थित है। ठीक है, तो सभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? कोटा में। तो आपको याद रखना है कोटा। अगला देखते हैं कि हिंदी की महान कवि मीराबाई की जन्मभूमि है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पटवारी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि हिंदी की महान कवि मीराबाई की जन्मभूमि कौन सी। तो आपको याद रखना है कुड़की।
कुड़की गांव है, जिनका जहां पर मीराबाई का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं कि नौकरशाही व्यवस्था के पदों सोपान में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो आपको याद रखना है मुख्य सचिव। अगला देखते हैं शासन सचिवालय राजस्थान में कहां पर स्थित है, शासन सचिवालय राजस्थान में कहां पर स्थित है, तो आपको याद रखना है जयपुर में। अगला देखते हैं कि किसे राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, किसे राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो आपको याद रखना है भरतपुर। ठीक है, तो भरतपुर कहां पर है, किस दिशा में है, वो भी आपको पता होगा कि भरतपुर पूर्व दिशा में है। ठीक है, इसलिए ये प्रवेश द्वार है। अगला देखते हैं, ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अगला देखते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा शहर राजस्थान का कौन सा है, तो आपको याद रखना है जोधपुर। ठीक है, और पहला कौन सा है, ये भी याद रखना, जैसलमेर। ठीक है, पहला जैसलमेर और दूसरा कौन सा है, जोधपुर। अगला देखते हैं कि मेवाड़ के महाराणा कुंभा द्वारा किसने दुर्ग बनाए थे, मेवाड़ के महाराणा कुंभा कितने दुर्ग बनाए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है महाराणा कुंभा ने 32 दुर्ग बनाए थे अकेले, तो है कितने दुर्ग वो भी आपको पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है 84 दुर्ग है, जिसमें महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में सिर्फ पूरे 32 दुर्ग अकेले बनवाए थे। ठीक है, अगला देखते हैं कि महुआ के पेड़ राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं, महुआ के पेड़ राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मिसप्रिंट है। ठीक है, उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं, तो महुआ के पेड़ राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको बताना है उदयपुर चित्तौड़गढ़ में। अगला देखते हैं कि नाथ द्वारा से प्रतिष्ठित श्रीनाथ जी की मूर्ति औरंगजेब के समय कहाँ से लाई गई थी, नाथ द्वारा से प्रतिष्ठित श्रीनाथ जी की मूर्ति औरंगजेब के समय में कहाँ से लाई गई थी, तो आपको याद रखना है वृंदावन से लाई गई थी। अगला देखते हैं कि जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंग लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंग दिए जाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आपको याद रखना है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाराजा सर्वा राम सिंह द्वितीय को। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है कि जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंग दिए जाने का श्रेय किसे जाता है, तो महाराजा सर्वा राम सिंह द्वितीय को। अगला देखते हैं कि गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह कहाँ पर उपस्थित है, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह कहाँ पर उपस्थित है, तो आपको याद रखना है सीकर में। यहाँ तो आप पढ़ते हैं कि सीकर में यहाँ शुद्ध तांबे से बर्तन एवं आभूषण बनाए जाते हैं और तांबे का निर्यात किया जाता है, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है सीकर में। ठीक है, और यहाँ पर शुद्ध तांबे से बर्तन एवं आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक है, शुद्ध तांबे से बनाए जाते हैं और एवं तांबे का निर्यात भी किया जाता है। ठीक है, अगला है कि अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है किस अन्य नाम से जाना जाता है, गढ़ बिटली। ठीक है, गढ़ बिटली के नाम से जाना जाता है, तो आप इसके बारे में पढ़ते हैं कि अजमेर शहर के 2.5 दिन के झोपड़े के पीछे स्थित है, कहाँ पर स्थित है, अजमेर शहर के 2.5 दिन के झोपड़े के पीछे स्थित है, यानी कि यह कहाँ पर है, अजमेर में। ठीक है, अगला है कि आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी क्या थी, तो आपको याद रखना है चंद्रावती, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी क्या थी, तो आपको याद रखना है चंद्रावती, और आबू के परमारों का मूल पुरुष धमराज के नाम से प्रसिद्ध है, आबू के परमारों का मूल पुरुष कौन है, धमराज के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, मूल पुरुष धमराज के नाम से प्रसिद्ध है। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय के समय वहाँ का शासक कौन था, तो आपको याद रखना है कानाडे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय के समय वहाँ का शासक कौन था, तो आपको याद रखना है कानाडे। अगला है अजमेर आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अजमेर आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो आपको याद रखना है सर थॉमस रो। अगला देखते हैं कि किसके साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा मिलती है, तो आपको याद रखना है पंजाब, कितने 90 किलोमीटर, सबसे छोटी यानी सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा मिलती है राजस्थान से, तो आपको याद रखना है पंजाब से कितने 90 किलोमीटर।
अगला है, सन सिटी के नाम से जाना जाता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सन सिटी के नाम से कौन जाना जाता है, तो आपको याद रखना है जयपुर शहर। जयपुर शहर सन सिटी के नाम से जाना जाता है, और शहर यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। अभी अपने बड़ा कि सबसे दूसरा बड़ा नगर कौन सा है, तो आपको याद रखना है जोधपुर, और पहला जैसलमेर। ठीक है, अगला देखते हैं कि राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है, तो आपको याद रखना है 11%। असलियत में है तो 10.41% है, ठीक है, लेकिन आप 11% भी लिखोगे तो भी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि राजस्थान की आकृति किस कोण की तरफ है, तो आपको याद रखना है किस कोण, कोण नहीं है, कोण है, कोण किस कोण की तरह है, तो आपको याद रखना है विषम कोण चतुर्भुज की तरह राजस्थान की आकृति है। ठीक है, अगला देखते हैं कि राजस्थान में गुरु शिखर की चोटी की लंबाई या ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, तो आपको याद रखना है 1722 मीटर। अगला देखते हैं कि राजस्थान के कौन से जिले का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तो राजस्थान के कौन से जिले का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तो आपको याद रखना है जैसलमेर, और कितना है 38,401 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अभी हमने कहा कि सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो जैसलमेर, और इनका क्षेत्रफल है 38,401। अगला देखते हैं कि जयपुर में कुल कितने जिले हैं, जयपुर में नहीं राजस्थान में कुल कितने जिले हैं, तो आपको याद रखना है 33 जिले एवं जनसंख्या के अनुसार जयपुर सबसे बड़ा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर। ठीक है, अगला देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। ठीक है, अगला देखते हैं कि लोकमानस में सुगंध चीड़ी को किस माता का स्वरूप माना जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकमानस में सुगंध चीड़ी को किस माता का स्वरूप माना जाता है, तो आपको याद रखना है आवड़ माता का, किस माता का, आवड़ माता का। अगला देखते हैं कि रामलाल अली रज्जा एवं हसन जैसे प्रसिद्ध चित्रकारों का त्रिगुट किस चित्र शैली से संबंधित है, तो आपको याद रखना है बीकानेर चित्र शैली, चित्रकला शैली से संबंधित है। रामलला अली रज्जा एवं हसन, ये चित्र शैली कौन सी है, बीकानेर चित्रकला शैली। तो अगला है राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है, 5920। 5920 क्या है, स्थलीय सीमा किसकी, राजस्थान की। अगला देखते हैं कि राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी की फैक्ट्री कब खोली गई, वनस्पति घी की फैक्ट्री कब खोली गई, तो आपको याद रखना है 1964 में, और कहाँ खोली गई, तो राजस्थान के भीलवाड़ा में। तो राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी की फैक्ट्री कहाँ खोली गई, तो आपको याद रखना है भीलवाड़ा में, कब, तो 1964 में। अगला देखते हैं कि राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो आपको याद रखना है धौलपुर, ये सबसे पूर्व में, और पश्चिम में कहे तो जैसलमेर। ठीक है, अगला देखते हैं कि किस खेल को राजस्थान में राजकीय खेल घोषित किया गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस खेल को राजस्थान में राजकीय खेल घोषित किया गया, तो आपको याद रखना है बास्केटबॉल को राजकीय खेल घोषित किया गया है। अगला देखते हैं कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान में कौन है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान में, राजस्थान के कौन थे, तो राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे। ठीक है, अगला देखते हैं कि महाराणा प्रताप व मानसिंह के बीच 21 जून 1556 को प्रसिद्ध युद्ध कहाँ हुआ था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप व मानसिंह के बीच 21 जून 1577 को प्रसिद्ध युद्ध कहाँ हुआ, तो आपको पता ही होगा ये युद्ध हल्दीघाटी का युद्ध था। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था, तो आपको ये याद रखना है नाथद्वारा के निकट हल्दीघाटी में। अगला है कि केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई, कब और कहाँ हुई, तो आपको याद रखना है 20 अक्टूबर 1993 को केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई, 20 अक्टूबर 1993। तो कहाँ हुई, तो ये भी आपको याद रखना है जयपुर जिले में, जयपुर जिले के सेवर में। अगला देखते हैं कि किस स्थान पर हुए कृषक नरसंहार हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया, तो आपको याद रखना है नीमूचणा, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीमूचणा पर इस साल पटवारी एग्जाम में
पक्का जरूर क्वेश्चन आएगा नीमू चुनाव पर। अगला है कि कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ की मैराथन कहा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ की मैराथन कहा है। तो आपको याद रखना है दिवेर के युद्ध को। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा। ये आपको पूछा जा सकता है कि दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने कहा क्या कहा। तो आपको याद रखना है मेवाड़ की मैराथन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़े। तो राजस्थान का क्षेत्र आजादी के पहले क्या कहलाता था। तो आपको याद रखना है राजपुताना। आजादी से पहले क्या कहलाता, राजपुताना। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम थी। तो जालौर की सबसे कम थी, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की साक्षरता सबसे कम थी। तो आपको याद रखना है जालौर की। अगला है कि हिमालय पर्वत की नदियों की विशेषता क्या है। तो वो हिमालय से निकलने वाली नदी बर्फ एवं ग्लेशियर के पिघलने से बनती है, इसलिए पूरे वर्ष में बहती है, ठीक है। अगला है कि सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो आपको याद रखना है 5 भागों में, ठीक है। तो सामान्यतः आर्द्र, उपाद्र शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश, ये 4-5 भागों में सामान्यतः विभाजित किया जाता है, ठीक है। अगला है कि सबसे अधिक नदियाँ किस संभाग में पाई जाती है। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि अपने राजस्थान के संभाग कितने हैं। तो राजस्थान के 7 संभाग, ठीक है। तो सबसे अधिक नदियाँ किस संभाग में पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कोटा संभाग में। अगला है कि लोह पुरुष के नाम से राजस्थान में कौन प्रसिद्ध है। लोह पुरुष के नाम से राजस्थान में कौन प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है दामोदर लाल व्यास। तो इनका जन्म कब हुआ ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है 8 फरवरी 1884 को। और भारत में लोह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपको याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल को है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान में किसे जाना जाता है, दामोदर लाल व्यास को। और इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1884 को। अगला देखते हैं कि लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो कहाँ पर है। तो आपको याद रखना है अरावली श्रेणी में, अजमेर के नाम लूणी नदी अजमेर में है, ठीक है। उद्गम स्थल अजमेर है, अजमेर के नाम पहाड़ से होता है और अंत में इसका कच्छ के रण में, ठीक है। कच्छ के रण में लूणी नदी विलुप्त हो जाती है और निकलती कहाँ है, अजमेर के नाम पहाड़ से। अगला है कि रेगिस्तान वन रोपण और भू संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। रेगिस्तान वन रोपण और भू संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है जोधपुर में। अगला है कि राजस्थान में बरेठा बांध कहाँ स्थित है। राजस्थान में बरेठा बांध कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है भरतपुर में क्या है, बरेठा बांध स्थित है। अगला है कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें किस सागर का अवशेष मानी जाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में खारे पानी की झीलें किस सागर का अवशेष मानी जाती है। तो आपको याद रखना है टैथित सागर, यह नमक का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। टैथित सागर इस पर भी इस साल क्वेश्चन बनेंगे पटवारी एग्जाम में, तो वेरी मोस्ट है टैथित सागर, तो पूरा पढ़ लेना, ठीक है। अगला देखते हैं कि राजस्थान में किस जिले में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राजस्थान में सर्वाधिक वन उदयपुर में पाए जाते हैं। अगला है कि राजस्थान में काला पत्थर बहुतायत में कहाँ पाया जाता है। काला पत्थर कहाँ पाया जाता है, सिरोही में, ठीक है, बहुतायत है, ज़्यादा मात्रा में। अगला है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1979 में। अगला है कि राजस्थान के किन जिलों में कोई भी नदी नहीं है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किन जिलों में कोई भी नदी नहीं है। तो आपको याद रखना है बीकानेर व चूरू में कोई भी नदी नहीं है। अगला है कि राजस्थान का सबसे अधिक फेल्सपार किस जिले में प्राप्त किया जाता है। राजस्थान का सबसे अधिक फेल्सपार किस जिले में प्राप्त किया जाता है। तो आपको याद रखना है
अजमेर जिले में। ठीक है, अगला देखते हैं कि मारवाड़ का प्रताप किसे माना जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मारवाड़ का प्रताप किसे माना जाता है, तो आपको याद रखना है चंद्रसेन को। और आपको ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी। ठीक है, प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है राव चंद्र सेन को। ठीक है, क्योंकि महाराणा प्रताप चंद्रसेन की पदचिन्हों पर चले थे, इसलिए महाराणा प्रताप को नहीं, चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि पश्चिम विक्षोभ के कारण राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, मावठ। शीतकाल में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, मावठ। अगला है कि स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है, स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है माही नदी को। क्या कहा जाता है, स्वर्ण रेखा। अगला है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा को पृथक करने वाली नदी है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को पृथक करने वाली यानी अलग करने वाली नदी है, आपको याद रखना है माही नदी, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा को पृथक करती है। अगला है कि कौन सा अभ्यारण्य घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करता है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करता है। अगला है कि कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली नदी कौन सी है, दो बार काटने वाली या पार या काटने वाली नदी, काटने वाली नदी कौन सी है, तो आपको याद रखना है माही नदी, जो कर्क रेखा को ऐसे दो बार काटती है। ठीक है, अगला है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी शिखर कौन सा है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी शिखर कौन सी है, तो आपको याद रखना है गुरु शिखर। ठीक है, और जिसकी लंबाई कितनी है, 1722 लगभग। अगला है कि हीरे के भंडारों की खोज कहाँ हुई थी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हीरे के भंडारों की खोज कहाँ हुई थी, तो आपको याद रखना है केसरपुरा चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, अगला है कि शीशे की सबसे बड़ी खान कहाँ स्थित है, शीशे की सबसे बड़ी खान कहाँ स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शीशे की सबसे बड़ी खान कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है जावर में। ठीक है, जावर में शीशे की सबसे बड़ी खान स्थित है। अगला है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिप्सम का जमाव कहाँ मिलता है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिप्सम का जमाव कहाँ मिलता है, तो आपको याद रखना है जामसर बीकानेर में राजस्थान का सबसे बड़ा जिप्सम जमा होता है। कहाँ पर होता है, जामसर, जामसर कहाँ पर है, बीकानेर। ठीक है, अगला देखते हैं कि झामर कोटड़ा क्षेत्र किस जिले में स्थित है, झामर कोटड़ा क्षेत्र किस जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है किस जिले में, उदयपुर, उदयपुर कहाँ पर, राजस्थान में। ठीक है, अगला है कि जैसलमेर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि जैसलमेर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है चूना पत्थर के लिए। अगला है कि राजस्थान में बेंटोनाइट के भंडार कहाँ स्थित है, बेंटोनाइट के भंडार कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है झालावाड़ में, कहाँ पर स्थित है, बेंटोनाइट के भंडार झालावाड़ में। ठीक है, अगला देखते हैं कि बनास नदी का उद्गम स्थल है, बनास नदी का उद्गम स्थल है, तो आपको याद रखना है खमनोर, खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, राजसमंद में। ठीक है, अगला है कि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपको याद रखना है बनास नदी। ठीक है, सबसे बड़ी नदी है राजस्थान की। अगला सवाल है कि बारहमासी नदियाँ कौन सी है, बारहमासी नदी को पहला अर्थ समझ लो कि बारहमासी नदियाँ होती क्या है, यानी कि साल के 12 महीनों तक ये चलती रहती है, यानी कि कभी ख़त्म नहीं होती है, तो आपको याद रखना है कौन सी नदी है जो 12 महीनों तक चलती है, तो आपको याद रखना है चंबल और माही, चंबल और माही। अगला है कि कहाँ पीला इमारती पत्थर मिलता है, कहाँ पीला इमारती पत्थर मिलता है, तो आपको याद ही होगा जैसलमेर राजस्थान में। अगला है कि लंगूरिया गीत किस मंदिर में गाए जाते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो बार पूछा गया है, शायद इस बार भी पूछा जा सकता है कि लंगूरिया गीत किस मंदिर में गाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है केला देवी मंदिर करौली में। ठीक है, केला देवी मंदिर है
जहाँ पर लांगुरिया गीत गाया जाता है, और है कहाँ पर? यह करौली में। अगला देखते हैं कि किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। तो आपको याद रखना है नागभट द्वितीय, ठीक है, नागभट द्वितीय राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। अगला देखते हैं कि अकबर ने किस राजपूत मनसबदार को फर्जंद की उपाधि दी थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर ने किस राजदूत को मनसबदार को किस राजपूत मनसबदार को फर्जंद की उपाधि दी थी। तो आपको याद रखना है मानसिंह। अगला है कि राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है अजमेर। अगला है कि सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो आपको याद रखना है जैसलमेर, यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, वर्षा होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, सबसे कम। अगला है और आपसे सबसे अधिक भी पूछा जाए तो आपको याद रखना है कहाँ पर, झालावाड़ में। ये सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है तो आपको पूछा जाए तो आपको बताना है झालावाड़, और स्थान कौन सा है तो आपको बताना है आबू, ठीक है, दोनों चीज़ें अलग है। अगला है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, यह अभी पढ़ा था आपने, कितनी है, 5920। और यह हर प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप हर प्रश्न को बारीकी से समझे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।